ओम शांति। परम आदरणीय मंच, उपस्थित सभा, बहुत सुंदर विषय है विश्व परिवर्तन में महिलाओं का योगदान। जैसा कि आप सबने सुना कि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार शब्द का अर्थ ही है जो चलता रहे, खड़ा न रहे। लेकिन जब कोई भी प्राणी किसी चीज़ में परिवर्तन चाहता है तो ये परिवर्तन की चाहना ही स्पष्ट करती है कि कोई श्रेष्ठ परिवर्तन चाहते हैं, कोई पहले से उम्दा परिवर्तन चाहते हैं, कोई पहले से नवीनता ही चाहते हैं। अब प्रश्न आता है किस प्रकार की नवीनता और किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं। जैसे अभी मेरे से पूर्व आदरणीय बहन बहुत सुंदर सुना रही थी ललिता जी कि 8 मार्च का दिवस यूएनओ ने महिला दिवस के नाम से घोषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इस दिन के घोषित करते इन्होंने 3 सूत्रीय फार्मूला दिया। पहला इक्वेलिटी, समता, दूसरा डेवलपमेंट, प्रगति, और तीसरा पीस अर्थात शांति। महिलाओं के साथ सम व्यवहार किया जाए, देश की प्रगति में महिलाओं को भी उतना ही स्थान दिया जाए जितना कि पुरुषों को स्थान मिलता है, और देश की शांति बनाए रखने में महिलाओं का भी योगदान हो। बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिन बातों में उन्हें समता प्राप्त नहीं हुई उसके लिए भी महिलाओं ने आगे कदम उठाया और बहुत सी बातों में उन्हें समता प्राप्त हुई। और डेवलपमेंट के लिए कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नहीं रहा जहां महिलाओं ने अपना योगदान ना दिया हो, चाहे वो भिक्षा और दीक्षा हो, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला वैज्ञानिक खोज हो, हर चीज़ में महिलाओं ने अपना आगे कदम बढ़ाया। रहा रही शांति की बात, शांति के लिए आज निश्चित है हमारे कुछ धर्म नेताएं और धर्म को प्रचार और प्रसार करने वाले कुछ जगत गुरु, कुछ महामंडलेश्वर साधु संत महात्माएं। महिलाओं ने भी शांति के कार्य में बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं सदा सुना देती हूँ कि धर्म के क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान पुरुषों को प्राप्त हुआ, अभी तक वो महिलाओं को स्थान नहीं मिला। शायद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। मस्जिद का मुल्ला पादरी, चर्च का पादरी, हिंदू धर्म का कोई महामंडलेश्वर जगत गुरु अभी तक महिला नहीं है। कुछ समय हुआ एक समाचार पत्र बहुत सुंदर, उसमें समाचार था कि कुछ मंडलेश्वर कुछ संस्थानों के आपस में मिले और उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि एक महिला को पर्वताचार्य की उपाधि से सुशोभित किया जाए। ये उपाधि महामंडलेश्वर जितनी उपाधि है, और हरिद्वार में इस बात को घोषित किया गया। परंतु कुछ अन्य अखाड़ों के महामंडलेश्वर और महापुरुषों ने इस बात का भारी ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि अगर इस महिला को
इस पर्वताचार्य की उपाधि से सुशोभित किया गया, तो सभा में नग्न होकर हम पुरुष लोग पहुंच जाएंगे और उन्हें इस उपाधि से सुशोभित नहीं होने देंगे। जब उस महिला को इस बात का पता चला तो उसने फौरन कहा, मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए, ये उपाधि नहीं ये बर्बादी है। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वे श्रेष्ठ कार्य मैं करती रहूंगी और हम महिलाएं मिलकर करते रहेंगे, लेकिन उपाधि की हम भूखे नहीं हैं। आप सोचिए उस महिला की महानता कि काफी ज्यादा लोगों के इस आग्रह करने पर कि उन्हें उपाधि लेनी ही चाहिए, लेकिन चंद लोगों के ऑब्जेक्शन पर उन्होंने उपाधि को तिलांजलि दे दी। ये नीचे नहीं होना, ये ऊपर उठना है। मेरा ये कहना है कि विश्व के परिवर्तन के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो, क्योंकि बहुत समय का इतिहास हमें ये दिखाता है कि कितना समय महिलाओं को एक निरादर की भाव से कहें या सेकंड सिटीजन की तरफ से कहें, उन्हें इस रूप से देखा जाता रहा। जबकि भारतवर्ष नहीं लेकिन पूरे विश्व के जनगणना के अनुसार 50% भाग महिलाओं का है, और आप सोचिए अगर 50% भाग को इग्नोर किया जाता तो देश की क्या हालत होती। और वास्तव में विश्व इतनी प्रगति नहीं कर पाया इतना समय, उसका एकमात्र कारण ये रहा कि हमारा समाज एक अधरंग का रोगी बनकर रहा। क्या आधे भाग को उन्होंने जागृत नहीं होने दिया, आधा भाग सुषुप्त रहा। और इसका कुछ कारण हमारे स्वयं धर्माचार्य धर्म पुस्तकें में बनी, क्योंकि कई धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार का वर्णन होता रहा कि महिला की बुद्धि तो बाई एड़ी में होती है। यहां तक कह डाला कि ढोर कवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये बहुत कुछ पुरानी सी बातें हो गई हैं, लेकिन मैं इसलिए आपका ध्यान खिंचवाना चाह रही हूं कि जब ऐसी धार्मिक सभाओं में और ऐसे महापुरुषों के द्वारा सन्मुख भक्ति भावना से ओतप्रोत लोग इन बातों को जब सुनते रहे तो उनके हृदय पर ये छाप लग गई और उन्होंने नारी को एक भोग्या की दृष्टि से देखना शुरू किया और उसे अबला कहकर पुकारा और घर की चार दीवारी उसका स्थान माना गया। किसी प्रकार का बाहर वो निकलकर कार्य नहीं कर सकती थी। जिस समय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना सिंध हैदराबाद में 1936 में हुई, उस समय आप हमारी अनन ने जो उस समय की फाउंडेशन में वो बहने आई थी वो हमको सुनाया करती थी कि बाबा ने सर्वप्रथम ये नारा लगाया कि नारी ही विश्व का कल्याण कर सकती है, ये विश्व कल्याणी है, और इन्हें इस गुरु का टाइटल देकर पुकारा। और जिन महिलाओं ने आगे उठाकर कदम उठाया कितना उनका ऑब्जेक्शन हुआ और कितने लोगों ने इस विद्यालय के लिए लाछन और कलंक लगाए। उस समय हमारी दादियां बताती हैं, शायद मैं पूरा रूप और नाच रच सकूंगी, कि महिला घर से अगर बाहर निकलती थी तो पूरा मुख ढककर केवल एक आंख उसकी खुली रहती थी, बाकी सारा मुख ढककर बाहर निकलती थी। उसे मुख खोलकर चलने का भी अधिकार नहीं था। और ऐसे समय में पिता श्री ने महिलाओं को शिव शक्ति अवतार कहकर, नारी तू नारी नहीं तू जग कल्याणी है, तू जग का कल्याण करेगी, कदम आगे बढ़ा, तेरे साथ स्वयं सबल सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान परमात्मा है, तुझे भय किस चीज का है, भय बुराई का कर, भय अच्छाई का नहीं कर, अच्छाई को मैदान में आने दे और बुराई से डर के चल।
आप सोचिए जिस समय बुराई ही पनप रही हो, उस समय अच्छाई को लेकर के और उस बुराई का सामना करना सरल नहीं होता है। लोगों ने बहुत कलंक लगाए, बहुत लाछन लगाए, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनका जीवन पवित्र था, जीवन सादा था, जीवन में श्रेष्ठताएं थी, जीवन में गुणों को अपनाया था। और आज बहुत से लोग कहते हैं कि आपके विद्यालय ने काफी तरक्की कर ली, इतने वर्षों में आपने विश्व के लगभग 107 देशों में अपने सेवा केंद्र खोले, और न केवल 107 देशों में लेकिन कितने परिवारों को आपने पवित्र बनाया, और कितने देशों में आपने उन बहनों को जो कि भारतीय संस्कृति को जानती नहीं थी, भारतीय हिंदी भाषा को उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद के रूप से इन सब बातों को सुना और समझा और अपने जीवन को इस सेवा में सत्कार जीवों में समर्पित कर दिया, और आज वो समर्पित बहनें विश्व के अन्य देशों में ईश्वरीय ज्ञान के आधार से भारत की प्राचीन संस्कृति का जन जन को संदेश दे रही हैं, और गर्व से कहते हैं हम उस भारत देश की नारियां हैं जो भारत देश देव भूमि था। आज अगर भारत पतित बन चुका है, ये सदा पतित नहीं था, इसे पुनः देव भूमि हमें बनाना है, क्योंकि जब भारत भारत था उस समय अन्य देश नहीं थे, ये बहुत सा हिस्सा जल में ही था, ये तो धीरे धीरे खंड बनते चले गए जब जनगणना बढ़ती चली गई। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था इस धरा पर, उस समय वो भारत ही कहलाता था, क्योंकि भारत का अर्थ है भरपूर। जब मानव नैतिकता में भरपूर था, धन धान्य से भरपूर था, सुख संपदा से भरपूर था, वो विश्व भारत कहलाता था। आज कोनों में बटा हुआ ये जो संसार हो चुका है, ये भारत नहीं है, ये वो भारत था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। अगर उसे केवल यही कहा जाए कि वो तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, लेकिन वो बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, परंतु साथ साथ वो प्रगति करने की भी एक मशीन है। अगर घर की चार दीवारी रूपी उस चाक के ऊपर वो बच्चे के जीवन को जैसा घड़ना चाहे वो वैसा जीवन घड़ सकती, अगर एक अपने कलात्मक हाथों के द्वारा एक मिट्टी के बनाने वाला बर्तन, एक सुंदर सुराही और सुंदर सुडोल कटोरी या सुंदर गुलदस्ता बना के रख सकता है, क्या महिला अपना काम नहीं कर सकती है? महिला भी एक बच्चे के जीवन का निर्माण करके, श्रेष्ठ संस्कार दे करके एक सुंदर नागरिक और आने वाले कल का एक सुंदर नेता बना सकती है। महिला क्यों स्वयं को अबला समझती है? महिलाओं में जो स्वाभाविक गुण हैं वो अपने हैं। मैं पुरुषों का निरादर नहीं करना चाहूंगी, उनके गुण अपने। बहुत सुंदर बात मेरी बहन ने कही कि हम पुरुषों की बराबरी को क्या समझते हैं? क्या पैंट पहनकर चलना और बुशर्ट डालकर चलना, क्या इसे बराबरी कहा जाता है? क्या पुरुष खाना बनाए और हम नौकरी पर जाएं, क्या इसे बराबरी कहा जाता है? क्या पुरुष चूड़ी पहने और आप अपने पॉकेट में हाथ डालकर चलो, क्या इसको बराबरी कहते हैं? वास्तव में देखा जाए ये बराबरी की बातें नहीं है। ये नारी ने अपने नारीत्व को गवा दिया है, उसने अपने नग्न अंगों का प्रदर्शन कर दिया है। आप सोचिए आज व्यवसायी मनुष्य नारी के चित्र डाल करके कितना धन कमा रहे हैं, एक एक अंग का प्रदर्शन हो रहा है, उसे संकोच नहीं आता है, ये क्या मेरा जीवन है? टेलीविजन देखिए, आज इश्तिहार देखिए, फिल्मों के लगे हुए एडवर्टीजमेंट देखिए, आज व्यापारी लोगों के व्यापार के एडवर्टीजमेंट देखिए, क्या उसमें सब दिखाया जा रहा है? केवल मात्र कारण ये है कि नारी आज सोई हुई, नारी जाग जाए ये विश्व जाग जाएगा, नारी जब तक सोई रहेगी विश्व सोया रहेगा। कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा स्वयं बनना होता है। कहा गया है चाम को कोई प्यार नहीं करता, काम को प्यार होता है। अगर मनुष्य ऐसा ही समझता चला जाए,
कि मेरी तो चार दीवारी ही केवल घर है, बच्चे पैदा करना ही मेरा काम है, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, पति के चरणों की दासी हूँ, उन्हीं की सेवा ही मेरा जीवन है। निसंकोच पति को सेवा करना पत्नी का फर्ज है, जहाँ तक सेवा कर सकती क्यों नहीं करे, पति की ही क्यों, सबकी सेवा में अगर हम योगदान दे सकते हैं, अहो भाग्य है, भगवान ने शरीर दिया कुछ तो करना ही है। अगर वो बच्चों को पैदा करती तो कोई बुरा काम नहीं है, ये प्रगति के लिए कार्य करती है, लेकिन जीवन ना दे, उनको जिए दान भी तो साथ साथ दे।